सर जैसे कि अभी सुनील कुमार जी ने बताया कि आउटसोर्सिंग जो है, अगर हम बात करें कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए या किसी भी सरकारी संस्था के लिए, किसी भी कोई भी सरकारी संस्था किसी भी प्राइवेट कंपनी से या फिर किसी दूसरी कंपनी से कोई समझौता करती है और उससे अपना सारा कार्य किसी भी एक अल्टीमेट समय दे दिया जाता है उसको कि भाई आप अपने मजदूर रखिए या आप अपने कर्मचारी रखिए, हमें ये काम इतने समय में या इतने समय के लिए आपसे कराना, तो जो काम किया जाता है यही आउटसोर्सिंग है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं स्वान योजना से जुड़ा हुआ था और अगस्त अक्टूबर 18 में जो है हमें हटा दिया गया। सेम कंडीशन यही थी कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे हुए थे जिसमें राज्य सरकार की जो जितने भी ब्लॉक्स और तहसील थी उसमें जो है कुछ कंपनियां आई जिस कंपनी के थ्रू हमें यहाँ पे रखा गया था। सबसे शुरू में जो है एचसीएल कंपनी आई थी, एचसीएल थ्रू के हमें यहाँ पर रखा गया। हमारा कार्य था कि जो भी सरकारी संस्था थी जैसे ब्लॉक हुआ या फिर तहसील हुई, इनमें जो नेटवर्क था आपका नेटवर्क को जो है प्रोवाइड कराना था, चाहे उसमें तुम्हारे पास में कंप्यूटर में कोई तकनीकी खराबी रही हो या फिर कोई भी नेटवर्क कंडीशन रही हो, तो जो है स्वान के नाम से ये प्रोजेक्ट बना हुआ था और इसी को ही हमें सुचारू रूप से वहां पे चलाना था। 2009 से हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 2018 में जो है बीच में दो तीन कंपनी आई, लेकिन 2018 में ये प्रोजेक्ट जो है बंद कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी आई चली गई लेकिन हमें नहीं हटाया गया था। बट 2018 में जो है कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं दिया ये सही से जो है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन उन लोगों ने हमें हटा दिया। लेकिन एक यहाँ पे जो बात रही है कि गवर्नमेंट अधिकांश संस्थाओं के थ्रू या किसी भी कंपनी का या अपना जो भी कार्य करा रही है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से करा रही है। सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो आउटसोर्सिंग में जो भी बंदा काम कर रहा है उसको दूसरे जो सरकारी कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं उसके भी एक्स्ट्रा सैलरी तो कम मिलनी है। जहाँ पे जो भी कंपनी आप निजी क्षेत्र में या फिर सरकार ने जो भी कंपनी अफोर्ड की हुई है या जो भी कंपनी के जिसके थ्रू को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, सबसे ज्यादा बेनिफिट तो उसको होना है। उस बेनिफिट के साथ साथ वो अपनी प्रदीप किसी भी सर, कर्मचारी को सर जैसे कि अभी आपने बताया, अगर संविधान की बात की जाए तो अभी सुरेश सर ने भी बात की है, इन्होंने बताया सेम कंडीशन वही है सर। हमारे देश में संविधान के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो संविधान बनाया गया था, जितने भी व्यक्ति इसमें शामिल थे और खासकर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात अगर की जाए तो उन्होंने जो सोचा था वो तो आजकल किसी भी गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी सरकारी उसमें नहीं हो पा रहा है। समान काम की और समान वेतन की बात की जाए जैसे कि भी सर ने बताया, तो ये सब चीजें संविधान के बिल्कुल अपोजिट ही जा रही हैं मेरे हिसाब से। तो क्योंकि जो चीज वहां पे है वो प्रत्यक्ष रूप में अगर देखी जाए तो वो नहीं है। दूसरी अगर बात कही जाए तो ये सब चीजें तो मुझे लग रहा है केवल संविधान तक ही सीमित रह गई है या किताबों तक ही सीमित रह गई है। इसके अलावा तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहने के लिए तो हर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम अपने देश के सभी नागरिकों के लिए ये सब सुविधाएं लाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात तो वो सब कुछ खत्म ही हो जाता है। और संविधान की बात की जाए तो यहाँ पे हर स्थिति में, चाहे वो आपका सरकारी संस्थान हो चाहे कुछ भी हो, तो संविधान से बिल्कुल हटके अलग ही काम किया जा रहा है। और मजदूरों की बात की जाए तो जैसे सर ने बताया कि उन्हें तो जैसा काम अगर उनके हिसाब से किया जा रहा है तो उसके हिसाब से तो कोई वेतन निर्धारित नहीं है। अगर निर्धारित भी है तो आउटसोर्सिंग की अगर बात की जाए जैसे थर्ड पार्टी की बात, थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है तो वो मानदेय किस हिसाब से दे रही है, क्या उसकी कंडीशन है, तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि संविधान बना है तो उसके जो अनुच्छेद हैं या उसकी जो स्थितियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हर व्यक्ति के साथ उसी प्रकार का बर्ताव किया जाए जैसा कि होना चाहिए। हर आदमी को अगर वो दूसरे व्यक्ति के समान कार्य कर रहा है तो उसको उसके समान वेतन मिलना ही चाहिए। एक बात थोड़ी सी यहाँ पे आती है कि समान वेतन वाली बात है तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई ये तो 2 साल से काम कर रहा है और हम 10 साल से काम कर रहे हैं तो समान वेतन कैसे हो सकता है। वो बात बिल्कुल सही है कि अगर एक्सपीरियंस है तो
अंतर हो सकता है, लेकिन इतना अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि अभी एक व्यक्ति को 80,000 मिल रहे हैं और एक व्यक्ति को 10,000 मिल रहे हैं, तो इसके जो बीच का डिफरेंस है ये तो कम होना चाहिए। और इसी स्थिति में संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं, जो भी बताई गई हैं, उसका पालन होना चाहिए। सरकार से मेरी यही एक अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ चीजें जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ली जाती हैं और कराई जाती हैं, कुछ दिन बाद वो बंद कर दिया जाए, या फिर उसके कर्मचारी को बदल दिया जाए, या फिर कोई दूसरी स्कीम लागू कर दिया जाए। तो ये एक सिस्टमिकली जो कंडीशन है इतनी बुरी है कि जो वो कर्मचारी काम कर रहा है उसको हर तरह से, मानसिक रूप से, आर्थिक स्थिति उसकी, यानी कि जिस भी स्थिति से देखा जाए, वो उस स्थिति से अवगत नहीं करा सकता, किसी को भी नहीं बता सकता। लेकिन बात वहीं पे आती है कि अगर आप किसी चीज के लिए कह रहे हैं तो वो होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि संविधान के प्रति हम सबको जो है अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ निभाना चाहिए, जैसा कि हमारे संविधानकर्ताओं ने या संविधान बनाने वालों ने जो चीजें सोची थी, समझी थी, उसी हिसाब से वे सब चीजें होनी चाहिए। धन्यवाद। सर, तरीके की अगर बात की जाए तो हमारी जो सरकारें हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर आउटसोर्सिंग की बात करें तो आउटसोर्सिंग में हमारे पास में जो थर्ड पार्टी सबसे ज्यादा बेनिफिट उसे मिलता है। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार यहाँ पे उस थर्ड पार्टी को पैसा दे रही है। अगर इस बीच में सीधा ये कंडीशन एम्प्लॉय और गवर्नमेंट के बीच में बने तो शायद ये बॉन्ड अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। उसका भी एक रीजन रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो कर्मचारी है उसको अपनी सिक्योरिटी भी महसूस होगी। दूसरी बात, जो भी बात बताई गई थी, इसका पीएफ वगैरह जो है वो जो दूसरी कंपनियां हैं या जो थर्ड पार्टी है उनमें नहीं करता, तो वहां पे भी होगा। यहाँ पे सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो सुरक्षा भी रहेगी। और मेन जो बात यहाँ पे हो रही थी कि थर्ड पार्टी अपना बेनिफिट देखने के लिए सरकार के कामों को जो जिस भी कर्मचारी से करा रही है, उसको जिस स्थिति में करा रही थी उससे भी बेटर स्थिति में उससे कराया जा सकता है कि अगर सरकार सीधा बॉन्ड अपने कर्मचारी के साथ में रखे। जो मेन बात इसमें यहाँ पे वही रहेगी कि कर्मचारी का शोषण हो रहा है और अगर ये प्रक्रिया नहीं बदली गई तो आगे भी होते ही रहेगा। रही बात कि यहाँ पे जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं या फिर जो माननीय हमारे उच्च न्यायालय वाली कंडीशन की बात की जाए तो वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए, बात करने में और बात को उस सही रूप में लाने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन करना होगा और करवाना होगा। लेकिन सबसे अहम बात यही रहती है कि हमारी जो सरकार है इस बात में कोई भी रुचि नहीं ले पा रही है, क्योंकि अधिकांश अगर देखा जाए तो आजकल जितने भी गवर्नमेंट संस्थाएं थी, चाहे वो आपके पास में बिजली विभाग रहा हो या फिर रेलवे रहा हो, उनको निजीकरण किया जा रहा है। तो जब अगर यहाँ पे देखा जाए तो सरकार से तो ये उम्मीद मुझे नहीं लग रही कि सरकार खुद ही थर्ड पार्टी को ये सब चीजें दे रही है तो वो इस तरफ कोई ध्यान देंगी या नहीं देंगी, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि जब वो सबके लिए ये चीजें तुम्हारे पास में निजीकरण करा रही है तो वो शायद इस चीज पे ध्यान ना दे। तो इसके लिए तो जो हमारे युवक हैं या युवा पीढ़ी है उन्हीं को ध्यान देना पड़ेगा, क्या ताकि वे इस थर्ड पार्टी वाला जो मैटर है उसको खत्म करके सीधा सीधा अपनी सरकारों के सामने इसका कोई प्रस्ताव रखें और इस चीजों को आगे ध्यान में रखते हुए आगे तक इस चीजों को जो है पूर्ण रूप से कराया जाए या पूर्ण रूप से हुआ जाए, जिसकी वजह से सीधा सीधा जो बॉन्ड होगा वो कर्मचारी के साथ में हो, ना कि किसी थर्ड पार्टी के साथ। सर, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि जी, गवर्नमेंट को इस बारे में विशेष रूप से एक ठोस कदम उठाना चाहिए। अगर कदम नहीं उठाया गया तो जो मजदूर या फिर कर्मचारी का जो शोषण होता रहा वो लंबे समय से होता रहा और आगे भी साथ होता ही रहेगा। जो बात अभी कही गई है सुरेश सर जी के द्वारा या कुमार जी के द्वारा, अगर उसको मद्देनजर रखा जाए तो अभी तक की कंडीशन के अकॉर्डिंग जितनी भी बातें हुई हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग के मद्दे हुई है, चाहे मजदूर शोषण या फिर किसी भी कर्मचारी का शोषण किया जा रहा है, उसका मेन मुद्दा यही रहा है कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो मूल सरकार के रहे हो, चाहे वर्तमान सरकार के रहे हो, चाहे पिछली सरकार के रहे, कि उन सभी ने जो है संविधान के हिसाब से काम नहीं किया है। और अगर हमें संविधान के हिसाब से हम काम करते हैं तो जैसा कि बात हुई है, चर्चा हो रही है कि हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा और हर एक व्यक्ति से इसके हिसाब से जो आगे बढ़ेगा। और सिंपल सी बात तो यही रहेगी कि अगर जो व्यक्ति अगर देश के अंदर है, अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है देश भी आगे बढ़ेगा।
तो मैं तो बस अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा कि हमें संगठित होकर, एकजुट होकर, संविधान को मद्देनजर रखते हुए अपनी जो है एक कार्यशैली को आगे रखते हुए, बढ़ाते हुए आगे काम करना चाहिए। और एक हमारा इस तरह का कोई संगठन हो। देखिए, इसके लिए कोई पर्टिकुलर किसी बेस में नहीं बनता, चाहे किसी भी तरह से नहीं करता, कि अभी बात की गई है कि हर तरह से मेहनत करनी होगी, हर तरह के व्यक्ति को समझाना होगा, उसको बताना होगा कि किस चीज के क्या बेनिफिट है और क्या उसकी हमारे पास में लॉसेस होते हैं। तो मेन है मुद्दा यही कि जब तक व्यक्ति संगठित नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, सही बात पे नहीं चलेगा और संविधान के प्रति जागरूक नहीं होगा, तो ये समस्या तब तक बनी रहेगी। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, संगठित होने के साथ साथ हम इस संविधान को मद्देनजर रखते हुए अपना एक संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तो शायद इस समस्या का समाधान निकल सकता है। जय हिंद, जय भारत। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जनजागृति की मुहिम में जुड़े रहें।